हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फिर से मैं हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, बट ये स्टोरी खुद मेरी है और करीब रात के 12 बजे मैं आपको अपनी ये स्टोरी सुना रही हूँ जो मेरे साथ खुद की घटना घटी है शिमला में। यार मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे साथ शिमला में ऐसा कुछ हो जाएगा और मैं मतलब तो पूरी लाइफ इस चीज़ को रिग्रेट करूंगी, मैं शिमला क्यों गई और मेरे साथ ऐसा क्यों। और जब भी मैं अकेली होती हूँ ना रात के वक्त, तो मुझे बहुत डर लगता है। पता, मैं रूम में बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, बट मैं किसी को बुला भी नहीं सकती क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। आदरिका सो रही उस रूम में और बस, और कोई भी घर के अंदर नहीं है। तो मैंने रूम को भी लॉक कर लिया अंदर से। तो यार जो मेरे साथ हुआ तो मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड्स और आप लोग मेरी बात पर यकीन करोगे। क्योंकि यार सच में ऐसा कुछ हुआ है ना मेरे साथ कि मतलब मैं जब उस चीज को सोचती हूँ तो मेरे को ऐसा फील होता है कि यार सब कुछ ना मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया है। तो ये बात है 19 मई जब मैं शिमला हम लोग ट्रिप के लिए निकले थे, मतलब मेरे मौसी मौसा मामा मामी सारे कजन्स और मैं उन लोगों के साथ गई थी। तो यार हम लोग ना 19 मई को निकले थे रात के वक्त, तो रात के ना करीब 9-10 बज गए थे शिमला पहुंचते पहुंचते, और होटल ढूंढते ढूंढते बज गए थे 11। तो यार कसम से मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो क्या होता है, बड़ी मुश्किल से होटल मिला था, होटल ही नहीं मिल रहा था। और होटल हम लोग को ऐसी जगह पर मिला ना जहां पर काला जादू होता था। यार जब मैंने उस चीज को देखा ना, उस काले जादू को होते हुए, तो यार बहुत ही ज्यादा अजीब था मेरे लिए वो। तो होटल मिला हम लोग को रात के करीब 11 बजे। तो हम लोग उस होटल में रुके जाकर के अंदर, फिर अब बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने रात को कुछ भी नहीं खाया था, वही कुरकुरे चिप्स वगैरह ही हम लोगों ने खा करके कार में बैठे हुए थे। 6-7 बजे हम लोग चाय नाश्ता जो भी किया था। तो मामा ने बोला ठीक है चलो मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो मामा और मौसा दोनों खाना लेने के लिए बाहर चले गए, रात के 11 बजे थे। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, मामा लोग लेकर आए खाना। तो खाने के बाद क्या होता है, मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी क्योंकि हम लोगों ने 3 रूम्स लिए थे। तो हम जितने भी हम किड्स थे, बच्चे थे जितने भी, तो हम लोग का अलग रूम था, जितने हम कजन्स वगैरह थे दो, और जो मेरे मौसा मौसी मामा थे उन लोग का अलग रूम था। तो जैसे मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी, अचानक से ना मुझे चीखने की आवाज़ आई। पहले तो मुझे लगा ना शायद ये मेरा वहम होगा और मैं नींद में हूँ इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो मैंने घड़ी देख, मतलब मैंने टाइम देखा तो यार 12 बज रहे थे। तो मैंने कहा यार सो जाती, बहुत रात हो गई और मैं सोई भी नहीं हूँ सही से कल से, क्योंकि हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे थे तो एक दिन पूरा तो कार में लग गया था, थक गई थी। तो फिर मैं जैसे ही रूम की तरफ बढ़ी तो अचानक से फिर से चीखने की आवाज आई। फिर मैं बालकनी की तरफ गई जहाँ पे वो छज्जा की तरह रहता है ना रूम्स की ऐसे जाने आने के। तो यार मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगी उस होटल की, वो होटल कैसा था, उसकी बालकनी कैसी थी, तो आप लोग खुद देख के बता रहे कि कितना ज्यादा वो हॉरर प्लेस था। तो जैसे मैंने बालकनी की तरफ नजर घुमाई ना यार कसम से मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतना डर गई ना, मतलब कि हो क्या रहा है, मैं सोची शायद कोई लड़ाई हो रही है, वो लोग चीख रहे हैं इसलिए। तो एक इंसान था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ ना, मतलब उसके साथ में 4-5 लोग थे जिन्होंने उसको ना ऐसे घेर रखा था सर्कल की तरह, मतलब हाफ सर्कल बना रखा था, वो अंदर था और उसके ना दोनों हाथ को ना यूं पकड़ लिया था दोनों साइड से, और वो 4-5 लोग थे। तो वो ना बहुत ही अजीब तरीके का रिएक्ट कर रहा था, बार बार चिल्ला रहा था छोड़ छोड़ छोड़, और पता है क्या, अपना फेस ना उसने अचानक से ऊपर किया और चिल्लाने लगा। मैं अचानक से उस बालकनी से ना ऐसे पीछे की तरफ हो गई, बिल्कुल दीवार की तरफ हो गई। मैंने मौसी को चिल्ला के बुलाया, मौसी जल्दी आओ मौसी जल्दी आओ। मौसी ने बोला क्या हो गया, जा सो जा रात हो रही है, इतनी कहाँ खड़ी है तू। तो मैंने कहा मौसी यहाँ पहले आप नीचे देखो हो क्या रहा है। तो जैसे जब मौसी ने उस चीज को देखा ना यार कसम से, मौसी ने बोला कि ये हो क्या रहा है, बिल्कुल अजीब सा। मैं इतना डर गई, मैंने कहा मौसी प्लीज आप हमारे पास सो जाओ, मुझे बहुत डर लगा। तो मौसी ने बोला ठीक है रुको। तो मैंने कहा मौसी क्या मैं इसकी वीडियो बना सकती हूँ। मौसी ने मेरे को एक चौटा मारा, बोला तू पागल है क्या, तू इसकी वीडियो बनाएगी, तेरा दिमाग खराब है, ज्यादा देखो चढ़ रहा है वीडियो बनाने का, देख रहे नीचे हो क्या रहा। मैंने कहा क्या हो रहा है, काला जादू हो रहा है, उसके अंदर आत्मा आ गई। मैं इतना ज्यादा डर गई ना, फिर मेरे को मतलब मेरी मौसी ने ये पहना था, मतलब ये शिव जी का कुछ कलावा था, मतलब भोलेनाथ जी का कहीं पे था दर्शन, तो वहां से लेकर आई थी मेरी मौसी। तो फटाफट मौसी ने मुझे ये पहना दिया उसी वक्त जहां मैं खड़ी थी लाई, फटाफट मुझे पहना दिया, बोला इसको उतारना मत, बिल्कुल भी उतारना मत जब तक तुम यहाँ पर हो। और यार कसम से फिर मैं ना अपने रूम में चली गई चुपचाप। फिर मौसी ने बोला मैं आ रही हूँ वॉशरूम से फ्रेश होकर के, तू थोड़ी देर सो जा। और यार जैसे ही मतलब मैं सोई ना अपने बेड पे सोई, तो वैसे ना मुझे उस इंसान की चीखने की बार बार इतनी बार आवाज आई ना, मतलब कसम से यार कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, चिल्ला क्यों रहा है वो इतना तेज तेज। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। मैंने अपने उस दिमाग को हटाया, मैं अपने मतलब कि अपने उसमें खो गई कि मैं कल वहाँ घूमूंगी यहाँ जाऊंगी वहाँ जाऊंगी ये लूंगी वो लूंगी, इन चीजों में अपने आपको बिजी कर लूंगी। बट यार मैं वो चीज ना मतलब जो आवाज
जो आवाज थी ना वो बार बार मेरे कान में जा रही थी। फिर मैंने मौसी को कॉल किया, मौसी आप कब तक आ रहे हो? तो मौसी ने बोला मैं आ रही हूँ पानी पी करके आ रही हूँ। मैंने कहा मौसी प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मौसी ने बोला ठीक है। तो मौसी करीब 12:30 बजे मेरे रूम में आई और हम दोनों मतलब सो गए। जैसे ही हम लोग सोए ना, उसके बाद यार अजीब मतलब आवाज बंद हो गई वो। तो मैंने कहा अच्छा आवाज, मैंने कहा चलो ठीक है आवाज बंद हो गई, लग रहा सब कुछ मामला सुलट गया है, वहां से लोग जा चुके। तो देन उसके बाद मैं सो गई चुपचाप, मुझे नींद ही नहीं आ रही। पहली बात तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, ऐसा हो रहा ना कि यार इतना पसीना आ रहा है, मुझे एसी चल रहा है फिर भी इतना पसीना आ रहा है मुझे आज, पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इतना डर लग रहा है। घर आने के बाद भी मैं इतना ज्यादा डर रही हूँ ना, बहुत ज्यादा। तो उसके मैं अपनी स्टोरी मतलब जो मेरा रियल लाइफ था उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो यार मतलब फिर क्या होता है, मेरे को नींद नहीं आ रही, करीब रात के 1 बज गए, नींद ही नहीं आ रही। फिर अचानक से ना मतलब मौसी को किसी की आवाज सुनाई दी, किसी कोई गेट पे खड़ा है आकर के। तो मौसी को लगा शायद मामा या मौसा होंगे, चेक करने आए होंगे। तो मौसी ने बोला कौन है कौन है? तो कोई आवाज नहीं आई उधर से, कोई भी आवाज नहीं आई उस गेट पे। देन उसके बाद मौसी को चुपचाप सो गई, मौसी सोची कोई चोर वोर होगा सामान चुरा लेगा, ऐसे डर होगा। तो यार पता है फिर मेरे माइंड में ना बार बार वो चीजें आ रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी शिमला की ना हॉरर स्टोरी बना रखी है। तो मेरे ना बार बार वो दिमाग में आ रहा कि यार वो जो मैंने स्टोरी सुनाई थी लोगों को, क्या मतलब जो मैंने सुनाई थी और सच में ऐसा हुआ था, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, मैं भी मर जाऊंगी? तो बार बार चीज रिपीट हो रही थी मेरे साथ। देन उसके बाद क्या होता है, मतलब 3 रात के 3 बजे मैं जागी रही हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आ रही। मेरी कजन सो गई, मौसी सो गई, बच्चे सो गए, तो मुझे नींद नहीं आ रही। मेरी मौसी सो गई, मुझे नींद नहीं आ रही। मौसी ने बोला सोने की कोशिश कर, नींद आ जाएगी, तो सोच मत ज्यादा। तो मैंने बोला ठीक है मैं सोने की कोशिश करती हूँ। दोबारा से सोने की कोशिश करी, लेकिन ना मतलब एक डर सा अंदर मेरे बैठ गया था कि यार वो क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, वो आत्मा क्यों आई, मतलब मैं सोचे जा रही थी। तो मौसी ने बोला ज्यादा सोच मत, तू सेफ है तो सो जा। तो फिर मैंने दिमाग हटाया वहां से। फिर करीब रात के 3:30 बजे हमारे गेट पर किसी ने 3 बार लॉक टॉक किया, ठक 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 3 बार आवाज आई। मौसी सो चुकी थी, मैं उठी, मैं बेड से उठी, मैंने हिम्मत करी कि यार एक बार तो मैं जाके देखूं कि हो क्या रहा है। तो जैसे ही मैं उठी ना बेड पे से, तो मेरे को ना इतना डर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, ठंड तो कुछ ज्यादा ही वहां पे होती है। तो मैंने एक ना शॉल सा लपेटा, चादर या शॉल जो भी मुझे मिला मैंने लपेटा, और मैं चुपचाप बहुत ही धीमे धीमे कदम बढ़ाया। और जब मैंने वहां जाके ना खिड़की है मतलब खिड़की थी होटल की, जिससे वो बाहर का गेट ना सब दिखता है कि कौन है कौन नहीं, मैंने उस खिड़की से ना हल्का सा देखा, बहुत डर डर के दिखा है कसम से, मुझे करीब बहुत टाइम लगे उसको देखते थे, वहां पे कोई भी नहीं था। मेरे को लगा यार शायद मेरा वहम होगा, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन मैंने कहा यार गेट तो सच में खटका है, किसी ने तो नॉक नॉक किया है, मैं समझ गई कि कोई तो है बाहर। फिर मैं चुपचाप जाके सो गई, मैं फिर सो गई जाकर के, ऐसे लेट गई, सो भी नहीं पा रही, फोन चला दे, मेरा थोड़ा माइंड वहां से हटे और मैं सोने की कोशिश करूँ। देन उसके बाद मैं फिर वहां पे गई, मैंने फिर उस विंडो पर जाके देखा कि शायद कोई हो, क्या पता कोई हेल्प आ गया आया हो, कि मुझे तो चोरों ने कोई आइडिया था, मतलब भूत ही प्रेत आने करा दो कि आत्मा ही होगी, कोई डरा की चीज अपनी चलावा या कोई जादू ही होगा। तो तब फिर मौसी ने मुझे देख लिया कि मैं आ रहा हूँ, मैं टन मौसम के सो जा, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो फालतू चीजें मत सोच। मैंने कहा मौसी आपको लॉकडाउन की आवाज़ नहीं, तो मौसी ने कहा कोई आवाज़ नहीं, सुनिए सो जा। फिर करीब 4 बजे, 4 बजते ही फिर नॉक नॉक की आवाज़ आई। मौसी बहुत गहरी नींद थी और मैंने उस नॉक नॉक की आवाज़ को फिर से सुना। तो मैंने बोला कौन है, मैंने सीधा बोला, मैंने खिड़की में जाके बोला कौन है, तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा कौन हो, कोई है तो बोलेगा, तो वहां से कोई आवाज नहीं आई, बस एक हल्की सी की आवाज आई और वहां से चले गए, पता चलो चली गई, ऐसा मुझे फील हुआ कि मैं खिड़की के पास से गुजर गए। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या था, बार बार मैं चाहना चाहिए, मैंने ना अपनी नानी मतलब मेरी जो मौसी थी उनकी साड़ी कह रही हूँ दुपट्टे का पल्लू अपने हाथ, दुपट्टे का पल्लू अपने हाथ में से बांध के चुपचाप हनुमान जी चालीसा पढ़ने लगी। मैं सो रही हूँ, मैंने कहा कोई आत्मा कोई भूत है जो मेरे पीछे पड़ गया, अब लग रहा मैं जिंदा बच्चे जा नहीं पाऊंगी शिमला से। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और 7 बजे तक मैंने कैसे कैसे वो रात गुजारी ना यार, मतलब इतनी डरावनी रात थी वो मेरे लिए। मतलब मैं जब भी उस चीज को सोचती हूँ ना यार, मुझे फिर से लगता है कि यार वो आत्मा ना मतलब जा रही है मेरे पास, खिड़की पर आई थी। और करीब 3 दिन तक मुझे ऐसा फील हुआ था घर आने के बाद। फिर वहां से हम लोग निकले 7:00 बजे, फिर मैंने सबको ये सारी बात बताई कि रात को हुआ क्या था, मैंने क्या देखा। तो सब लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, शांत तेरा वहम था, तेरा वहम था। सब लोगों ने मुझे पागल ठहरा दिया, तेरा वहम था, तू पागल है। तो मैंने कहा चलो मैं पागल, लेकिन यार जो मेरे साथ हुआ ना सब बहुत ज्यादा क्रीपी था।
और उसके बाद मैं मनाली के लिए वहां से निकल गई, तो कोई बर्फ थी नहीं, तो मैं आइस खेल रहा था, मतलब आइस के साथ खेल रहा था बर्फ के साथ, तो मैं फिर वहां से मनाली के लिए निकल गया। देन मनाली के होटल में मैं रुकी, मैं इतना ज्यादा डर रही थी वहां पे होटल में रुकने के बाद, बट वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। मैं एक नींद में ही सो गई, सुबह उठ गई, तो यार उस होटल में ऐसा क्या था मैं समझ ही नहीं पाई, मतलब मेरे अंदर से ना वो चीज निकल ही नहीं रही कि यार वो था क्या, क्या थी वो चीज। तो मतलब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, प्लीज कमेंट करना, मुझे बताना कि यार मेरे साथ हुआ क्या था। और सच में 3-4 दिन से ना, मतलब जब मैं वहां से आई तो मुझे सपने भी आते थे, फिर मैंने मतलब भगवान जी से प्रेयर करी कि भगवान जी मैं बचा लो, मैं मर जाऊंगी क्या यार, बहुत बार बार मुझे वही सपना आता है कि मैं रात को 3 बजे उठी, मैं खिड़की के पास गई, मैंने फिर से उस आत्मा को देखा, मैंने पूछा कौन है, और फिर आवाज आई। ये चीज 3 बार सपने में आ रहा है, तो फिर मैंने सोचना बंद किया, मैंने अपने माइंड को हटाया उस जगह से, बहुत बहुत ज्यादा वो लगाया। 1 हफ्ता हो गया मुझे उस चीज से निकलने में, लेकिन आज भी जब मैं उस चीज को सोचती हूँ ना, तो मेरे साथ बहुत अजीब लगता है, मेरे को बहुत, मेरे को नींद नहीं आती रात को। तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना मेरे साथ क्या हुआ था, और अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूँ, बट यार मैं सोचती हूँ बहुत अजीब लगता है। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है, तो प्लीज आप बताना कि आपके साथ शिमला ट्रिप में ऐसा कुछ हुआ था, और फर्स्ट टाइम वहाँ पे जो कुछ जंगल थे ना, बहुत ही खतरनाक जंगल थे, ऐसा फील हो रहा था जो पहाड़े थी ना, वहाँ पे कोई ना मतलब पेड़ों पे बैठा है, पेड़ ऐसे हिल रहे हैं, रात कर गया, ऐसा फील हो रहा था आगे, मतलब बहुत ज्यादा क्रीपी था मेरे लिए, और बहुत ही क्रीपी था मेरे लिए, मतलब छुट्टियों में ये शिमला जाना हो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा। तो वीडियो यहाँ पे एंड होती, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया हो तो, और इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, ताकि अगर कोई शिमला जा रहा हो तो प्लीज वो इस चीज से सावधान रहे, ऐसा कोई कलाव है, कोई भगवान जी की चीज अपने साथ लेकर जाए जिससे वो सेफ है। तो थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो यहाँ पे एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।